वचन बाबा राजेश सिंह जी महाराज दिल्ली दरबार 17 फरवरी 1991। परम सत्कार योग साथ संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जीओ, जीवन एक लहर है जिस दी ऊंचाई और निचाई हमेशा ही वेरी करती है। इसी प्रकार इंसान दे मन दे जेड़े बलबले हन, विचारा हन, इच्छावां हन, उना विच भी उतार चढ़ा आंदा रहिंदा है। गुरु कृपा होए ते ए जीवन सहज नाल ही व्यतीत हो जांदा है। लेकिन देखा गया है कि गुरु कृपा पावे नाल चल रही है, असी अपने कर्म सचजे बनाउन तो असफल हो जांदे हन। ओ कर्म जेड़े के संसार दी थपेड़ियां दे नाल, संसार दियां विचारां दे नाल, संसार दी सोसाइटी दे नाल विचरण करके साडे मन दे उतार चढ़ाओ आंदे हन, उन्हां वास्ते उन्हां नूं सेट ऑफ करने वास्ते, उन्हां नूं इक तार च रखण वास्ते गुरु साहिब दा हुक्म है कि असी सिमरन विच लग जाइए। अपने मन नूं काबू करन वास्ते असी बादशाह दे चरणां दा ध्यान धरिए। एक अवस्था अजिही आ जांदी है, इह हर एक इंसान ते आउंदी है कि जिस वेले ओ बिल्कुल डेस्परेट हो जांदा है कि मेरा काम नहीं हो रहा। ओ अवस्था जिहड़ी है दो कारणां करके होया करदी है। एक कारण यह होया करता है कि साड़ी जेड़ी एक्सपेक्टेशन है सच्चे पातशाह पासों वो बहुत ही ज्यादा होया करती है अपने जीवन की अवस्था नालों। एक इस करके होया करती है कि जेड़ी साड़ी सेवा है उस दे विच कमी रह जाती है और अवस्था जेड़ी है उसकी मंग बहुत वढ़ेरी हो जाती है। एक अवस्था यह हो जाया करती है कि इंसान जिस सोसाइटी विच विचर रहा है उस सोसाइटी दा दी लाग, उस सोसाइटी दा रंग नाल नाल चढ़दा हुंदा है। जे किते ओ रंग अपनी अवस्था दे अनुकूल नहीं है ते उथे भी मन डेस्परेट हो जाया करता है। अज साडे दरबार दे विच मैं देखदा हां कि संगत विच कई ऐसे सज्जन बैठे हन, बीबियां बैठियां हन, जेड़ी के अपनी डेस्परेटनेस दी अवस्था लैके इत्थे हाजर होए हन। जे उन्हां दा दिल धड़कदा है ते मेरा भी दिल धड़कदा है, जे उन्हां दा मन नहीं टिकदा समझ लो मेरा मन भी नहीं टिक रहा। दिल नूं दिल दे नाल राह होया करदी है। मैं आप जी सारी साध संगत दा सेवक हां। कुदरत दी कुछ छोटी तो छोटी किरण ता इस शरीर अंदर बासा है, ओ दर्शा दिंदी है कि किस प्रकार किस दा दिल धड़क रहा है। इस दरबार दे अंदर आम करके तुसी देखिया है कि बचन उना दे वास्ते हुंदे हन जेड़े कि बहुत ही तीव्र हो जांदे हन जां जेड़े बहुत ही गरीब हो जांदे हन, और मन दी अवस्था जेड़ी है ओ टै टेरी अपने अकाल पुरख दे चरणां दे उत्ते कर दिंदे हन। ए मन बलवान भी इतना हो जांदा है और टै टेरी भी इतना हो जांदा है कि इस दी ऊंचाई और डूंघाई जेड़ी है शब्दां विच जाहिर नहीं कीती जा सकती। जिन्हां दे उत्ते इह अवस्था विचर रही है ओ अपने हिरदे ते हथ देख के रख के देखण कि उन्हां दे मन किस प्रकार टिकाणे नहीं आ रहे। मन दे विच अजिही भी अवस्था आ रही है कि इस दरबार दे बारे ते बहुत सुनिया सी ते सानू शांति नहीं आई। साध संगत जीओ, मैं आप जी नूं बेनती करांगा, बड़े प्यार और सत्कार दे नाल बेनती करांगा, जे असी सफल होना है जीवन दे विच ते असी सच्चे पातशाह दे जहाज दे सवार होना है ते ए नहीं तक के होना कि ए डुबना है या पार होना है। मन दी अवस्था जेड़ी है उस नूं बन के होना है, यकीन करके होना है, ध्यान करके होना है,
पातशाह भी ओट लैके सवार होना है ते असी अवश्य पार हो जाने हां। ए जिहड़ी अवस्था तुसी मन दी लैके बैठ रहे हो ए कोई साढ़े वास्ते दुखदाई नहीं है, ए साढ़े वास्ते बहुत सुखदाई है। इस अवस्था दे नाल आउण दे नाल साढ़े मन दी अवस्था जेड़ी के इधर उधर चुक चुकाओ रखती रहती है वो किते टिक जंदी है, निम्रता च आ जंदी है कि साडा तो कोई भी काम नहीं कर सकता हुण असी की करिए। ओ की करिए दा जो शब्द है उत्थे वैकम आ जंदी है कि सच्चे पातशाह दा प्रकाश हुंदा है। आप जी शायद जेड़े तपस्वी हन जेड़े सिमरन विच रच जंदे हन या अपने कारोबार दे विच हैड हन हार्ट ला दिंदे हन दिलो जान दे नाल उस दे विच ध्यान दे के कम करदे हन, कोई अवस्था ऐसी भी आ जंदी है कि मन ढेरी हो जांदा है कि क्यों नहीं होया। उस वेले साडे मन दे विच जिहड़ी साडी अवस्था एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा होया करदी है साडी मेहनत नाल। ई अवस्था आउणी साडे बल वास्ते एक बल सच्चे पातशाह पासों लैण वाली होया करदी है। आम करके इस त्योहार दे विच ए बेनती कीती जांदी है कि सात संगत जीओ पातशाह दे चरणां च ध्यान करके आओ सच्चे पातशाह दे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इथे आके इधर उधर फिरन दी बजाय दूसरियां दी बिरती तोड़न दी बजाय जे तुसी एक जगह टिक के बैठ जाओ ते महाराज दे चरणां नाल दिल ला लो, मैं शर्तियां लिख जन्ना कि आप जी दे कार्य सफल हो जाणगे। हुण आपां देख लईए कि जिन्हां दी अवस्था जिस प्रकार मैं दसा बैठा हां उन्हां दे मन दा रंग की है। वो टिक सके इत्थे, अपने मन नूं खिलार सके इत्थे, वो सच्चे पातशाह दे चरणां विच अपने दिल नूं ला सके। जे ला लैंदे ते उन्हां दा कारज सिद्ध हो गया सी। ई दरबार जिहड़ा कि साडे इतिहास दे विच साल दा आखरी दरबार होया करदा है सच्चे पातशाह दे चरणां च जाण तों पहला अपनियां इच्छावां दी पूर्ति दी पेटा लिजाण वास्ते अपने शुकराने पेट करने वास्ते इस दे विच सानू सारी साध संगत नू इस प्रकार हो जाना चाहिदा है कि साडा मालक साडे नाल तुर रहा है, साडा मालक साडी हर हिरदे दी पुकार सुन रहा है, साडा मालक जिहड़ा है असी चावां नाल उत्थे जाना है ते साडियां झोलियां भर जानियां है। कदी वांझे नहीं आवांगे, कदी वांझे नहीं आवांगे। गल इत्थी रह जंदी है जिस वेले के साडे मन दी अवस्था दी चाहना दे विच कोई कमी रह जाती है। असी सारे हिरदा लैके आने हां कि सानू इत्थों खैर पैनी है। असी अपने मन दी अवस्था नू इस करके बना इस तरह बना के आने हां कि पातशाह ने साडे कार्य सिद्ध कर ही देने हन ते ओ कर ही दिंदे हन। जेडे रहन वाले होया करदे हन ओ इधर उधर फिरन वाले होया करदे हन, इधर उधर झाकण वाले होया करदे हन और इधर उधर दियां गल्लां आके इत्थे करदे हन। माफ करना इह तां साडा दरबार हुण आखरी है जिहड़ा 3 तरीक दा मार्च दा आउणा है दरबार, उस वेले तुसी अवस्था लैके आउणा और तुहानू प्रत्यक्ष पता लगे करेगा कि साडी इच्छा पूरी हो गई है। ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 3 ਅੰਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
आ जाते हैं तो सच्चे पातशाह की बख्शिश हो जाया करती है। हुण असीं सारियां जाना है, मैं जानना है कि असीं आपो ताप करते हाँ, यह भी जानना हाँ कि असीं बहुत खुदगर्ज हो जाने, यह भी जानना हाँ कि साडे मन की जिहड़ी अवस्था होया करती है असीं कहने असीं पार हो जाइए बाकी रह जा। माफ करना एक मशीनरी किसी होर प्रकार चलनी है, हम जद असीं जाना है दूसरे वास्ते असीं फायदा लोचांगे तो वह फायदा सानू होना है, दूसरे की सेवा लोचांगे उस फायदा सानू होना है। यह गुरमत है, यह अकाल पुरख की बख्शिश है, यह सिखी ते बख्शिश है और उन्हां सिखां ते बख्शिश है जेड़े के भावे के सहधारी हैं भावे सहकारी हैं उस सच्चे पातशाह दे चरणां दे नाल अपना हिरदा जोड़दे हन। इह समा आ गया, इह समा आ गया। अज असीं जिस गड़बड़ बारे बहुत देर तो कह रहे सों, जिस नूं कोई मन्निया नहीं करदा सी, अज ओह मिडल ईस्ट विच बैठी है और उत्थों खत्म हुंदियां सारी उन्हां तुहानूं आ चपणा है। इह जिहड़ी नेरी है खून दी नेरी, इस तों बचण दी खातर भी आप जी नूं पातशाह दे चरणां दे नाल मन नूं जोड़ना है। पिछले एतवार मैं आप जी नूं बेनती कीती सी कि तुसी अजीत दरबार दी साध संगत बड़भागी हो, थोड़े भाग बड़े उच्चे हैं। मैं यह नहीं कहना कि थोड़े भाग मेरे करके उच्चे हैं, थोड़े भाग इस करके उच्चे हैं कि तुसी सच्चे सुच्चे सतगुरां दे आप साझे हुए दरबार दे विच आके उन्हां दे नाम दी रंगन लैणा मंगदे हो। यह रंगन मैनू चढ़दी दिसदी है, यह रंगन अजीत दरबार दी संगत दे विच अचेच दिसेगी। बहुत अरसा नहीं रह गया, इस वेले भी अजीत दरबार दी जिहड़ी संगत है उहदे विच जद भी किसे तुसी किते भी किसे नूं मिल लो उन्हां दे अंदर हमदर्दी होएगी, हंकार नहीं होएगा, रहम होएगा, जलालत नहीं होएगी, प्यार होएगा, नफरत नहीं होएगी, सेवा दा भाव होएगा, सेवा तो दूर नसन दी कोई किसे किस्म दा भी अंश नहीं होएगा। ए पातशाह दी बख्शिश है, ए देन है, ए देन है। आप जी बड़े चावां दे नाल बड़े लाडां दे नाल पातशाह पासों दाता मंगदे हो, अज बहुत करके अचीच करके एक होर मैं चीज देखदा हां कि साडे जिहड़े दरबार दे विच दरबारी आंदे हन उन्हां नूं दारू तो बड़ी नफरत हो गई है। जे करदे कोई बिच पींदा है तो उन्हां नूं इस प्रकार लगदा है कि उन्हां वास्ते उह जहर पी रहा है। साध संगत जीओ ये अवस्था भी सैट हो जाएगी। इस अवस्था वास्ते तुसी कहना नहीं किसे नूं कुछ, तुसी अमृत देना है, अमृत दे नाल इशनान कराने हैं बड़े प्यार दे नाल, घर दे विच अमृत दे नाल छिट्टे देने हैं और ये बेनती करनी है कि धन गुरु नानक करके ये तुसी अमृत पियो, अपने घर दे विच रहमत हो जाएगी और कलेश दूर हो जाएंगे। ये हौली हौली जिहड़ी तुहाडी पुकार है, जिहड़ी तुहाडी शिकायत है, जिहड़ी तुहाडी मंग है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये तो आप जी नूं जहारी हो गया है कि असीं सारिआं ने सौण लग्गिआं जरूर सच्चे पातशाह दे चरणां दे विच ध्यान करके धन गुरु नानक, धन गुरु नानक सहज अवस्था दे नाल एक घंटा करके सौ जाना है। मन नूं राहत आ जाएगी, जिन्हां नूं नींद नहीं आउंदी उन्हां नूं नींद दी कुकी चढ़ जाएगी। ये पातशाह दा प्यार है, ये पातशाह दी प्यार दी कुकी
इंसान नूं चढ़ जांदी है। होर तुसी फल मंगदे हो, फल असी उत्थे भी देने हैं, विसाखी ते भी देने हैं। मैं दो चार फल बनाए हैं, वो लै लैन जिन्हां नूं जिहड़े नहीं उत्थे जाना। ये थोड़ी बहुत पुकार करके बनाया है, लेकिन मैं बनाने नहीं सी, पातशाह दे चरणां जाके लैंदे ते रहमत कुछ होर हुंदी। आखिर असी उन्हां दी बराबरी तो नहीं कर सकते, उन्हां दे चरणां दे धूड़ हाँ, लेकिन वह रहम कर दिंदे हन जिस वेले के साडा प्यार उन्हां दे चरणां च अपनी अवस्था दी वारमथ रख दिंदा है। हुण आपां हुक्मनामा लवांगे पातशाह दा, फिर आनंद साहब का पाठ हो जाएगा, फिर अरदास हो जाएगी, उस तो बाद लंगर जरूर छक के जाना। जिन्हें जाना है वह नाम जरूर लिखा देन दफ्तर दे विच, महेंद्र सिंह होनी बैठे जरूर तको तकी ना करन, ताकि हुण दिन बहुत घट रह गए हैं। और ए किराया सानू ज्यादा बहुत दिसदा है इस साल, क्योंकि हरियाणा ने टैक्स बड़े ला दिते हैं, पंजाब दे टैक्स बद गए हैं, ये सारे पासे टैक्स बद गए हैं, ये लोड सहारिया नहीं जा रहा। पर असि यतन करांगे कि आप जी सारी संगत नू प्यार दे नाल ले जावांगे और प्यार दे नाल ले आवांगे, और थोड़े रहन दा खान पीन दा चाह दा प्रबंध उत्थे जरूर होएगा, पर विदेश दे नाल। ए नहीं कि तुसी 24 घंटे ठूठा चक्की फिरो तो चाह वाले कोल पहुंच जाओ। चाह आप जी नू सवेरे मिलेगी, शामी 4 बजे मिलेगी, और उस तो बाद रात नू लंगर मिलेगा, सवेरे शाह वेले लंगर मिलेगा, ए विदेश दे नाल चीज मिलेगी। और आप जी नू अगर अपने वास्ते नाश्ता सवेरे बना के ले जाना है, कोई पिनिया ले जांदा है, कोई कुछ नमकीन ले जांदा है, वह तुसी जरूर ले जाओ, वह तुसी ले जाओ और बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल उत्थे जाओ और अपनियां चोलियां भरवा के लियाओ। हुण मैं आप जी पासों आग्या लवांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्हां ने कोई पुछगिछ करनी है वह महेंद्र सिंह होनी बैठे ने, उन्हां पासों कर लैणा। हुण हुक्मनामा सुनो। सतनाम श्री वाहिगुरू जीओ, निंदात बंदनियन कुबार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। बिलावल महला पंजवा, तन तन श्री गुरु अर्जन देव साहब जीओ, दोवे थाव रखे गुरु सूरे, हालत पालत पार ब्रह्म सवारे, कारज होए सगले पूरे, दोवै थाव रखे गुरु सूरे, हालत पालत पार ब्रह्म सवारे, कारज होए सगले पूरे। रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवण जान रहे थित पाई, जन्म मरण के मिटे बसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जम के,
कट कट एक रहा पर पूरे नानक शरण परहो दुख पंजना अंतर बाहर पेख हजूरे प्रम पै तरे छुटे पै जम के कट कट एक रहा पर पूरे नानक शरण परयो दुख पंजना अंतर बाहर पेख जुरे वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।